वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ आपका अपना गुरमीत और आप देख रहे हो मी ब्लॉग्स। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब वीडियोस की रैंकिंग के बारे में। आप यूट्यूब पर काफी अच्छा कंटेंट डाल रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग ओनली 100 and 200 व्यूज, ऐसा क्यों? क्योंकि यार यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है जिसके बारे में काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपसे छुपा के रखते हैं। तो यार आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर मैं खुद के चैनल की बात करूँ जिसका नाम है मी ब्लॉग्स दिल्ली, तो आप देख पाओगे कि मुझे 941 व्यूज़ मिले अभी तक के, जिसमें मेरे को 1.6K का वॉच टाइम मिला जो कि मिनट्स में है। साथ ही गाइस जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ 60 हैं, जो कि बहुत कम है। अब आप सोचोगे कि यार मैं तो 1000 व्यूज़ पर डे के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो मेरे चैनल पे खुद पे भी नहीं है। तो यार ऐसा नहीं है, एक्चुअली उस एल्गोरिथम के बारे में को अभी पता चला है। तो यार मैं बताना चाहूँगा कि मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है गाइस अनाइम टीवी, अगर आप उस पर देखोगे तो मेरे को 16.4K व्यूज़ मिले अभी तक के और 27.7K वॉच टाइम मिला है, जिसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो मेरे को 480 घंटे का वॉच टाइम दे रहा है। तो यार 480 घंटे काफ़ी अच्छा अमाउंट है स्टार्टिंग के लिए। एंड अगर आप देखोगे मेरे ग्राफ को तो ये ऊपर ऊपर जाते ही जा रहा है। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है? और सब्सक्राइबर्स पर अगर आप नज़र डालोगे तो सिर्फ 14 सब्सक्राइबर है। अब आप सोचोगे कि यार 14 सब्सक्राइबर में इतने अच्छे व्यूज़ कैसे आ गए? तो गाइज़ यही तो उस एल्गोरिथम का कमाल है, यही तो उस ट्रिक का कमाल है। तो गाइज़ वही मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही गाइज़ एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइज़ अगर आप मेरी टॉप वीडियो देखते हो तो ये मेरी टॉप वीडियो जिसपे अकेली वीडियो पे 15,000 व्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने इसी वीडियो पे अपना ट्रिक को यूज़ करा है। तो गाइस ऐसा कैसे हुआ, 15,000 व्यूज़ एकदम से कैसे आ गए? तो गाइस अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स खुद यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पर, और गूगल पर आपको सर्च करना पड़ेगा ट्यूब बडी। अगर आप ट्यूब बडी सर्च करते हो, ट्यूब बडी सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो दिया गया लिंक है आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड का। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो गया है। तो ट्यूब बडी गाइस एक यूट्यूब का एक्सटेंशन है जो कि क्रोम के लिए बनाया गया है। बेसिकली आप इस टूल से अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज कर सकते हो अच्छे से। तो गाइस इस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए आपके पास गूगल क्रोम का होना बहुत ज़रूरी है, ये किसी अदर ब्राउजर पर वर्क नहीं करेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली डाउनलोड करना है एंड ये खुद ब खुद आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रोम बस अपना रीस्टार्ट करना है एंड देन आपको जाना है अपने यूट्यूब पर। अब जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाता हूँ, तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई टेक वीडियो अपलोड करने वाले हो, तो सर्च बार में आपको टेक्निकल से रिलेटेड सबसे बड़े नाम को सर्च करना है। अब सबसे बड़ा नाम टेक्निकल में अगर सोचोगे तो टेक्निकल गुरुजी का नाम आता है, तो हम टेक्निकल गुरुजी को सर्च करते हैं। उनकी जो सबसे टॉप रेटेड वीडियो होगी, जैसे कि ये जिसको 7 घंटे हुए हैं और इसमें 126,000 व्यूज़ आ चुके हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो को स्टॉप कर देंगे। तो गाइस वीडियो को स्टॉप करने के बाद अगर आप राइट साइड में देखोगे तो राइट कॉर्नर में आपको टैग्स का सेक्शन मिलेगा। एक्चुअली ये वीडियो के एनालिटिक्स हैं और पूरे चैनल के एनालिटिक्स। तो आप इसमें टैग्स का जो सेक्शन देख रहे हो, इसके अंदर इनके सारे टैग्स हैं जो इस वीडियो के अंदर डले हुए हैं। अगर ये वीडियो आपके चैनल के रिलेटेड है तो आप इन सभी टैग को यहाँ पर जाके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपको ये अपनी वीडियो के टैग सेक्शन में पुट कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जब वीडियो सर्च होगी तो उसी में आपका वीडियो भी नीचे शो होगा। एंड गाइस दूसरी चीज़, आपको इसके बाद अपनी खुद की वीडियो का जो टाइटल है उस पूरे टाइटल को कॉपी करके अपने टैग सेक्शन में पेस्ट कर देना है। एंड गाइस ध्यान रखिएगा कि जो टैग का जो लिमिट है वो 500 वर्ड्स का होता है। आप कहोगे कि 500 वर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में 500 वर्ड्स बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारा कॉमा भी इसमें काउंटेबल है। तो गाइस हमें कुछ नहीं करना है, अपने जो पूरे टाइटल है उसको भी कॉपी पेस्ट कर देना है, साथ में अपने जो हमारा चैनल का नाम है, जैसे इनके चैनल का नाम है टेक्निकल गुरुजी, तो ये भी अपने चैनल को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको भी सिंपली ऐसे ही अपने टैग को पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपका चैनल सर्च किया जाएगा या फिर आपकी रिलेटेड वीडियो सर्च की जाएगी, आपका वीडियो भी उसमें रैंक करेगा। तो बस इसके बाद देखिए जादू कैसे आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में देखा कि यार आप अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ को कैसे रैंक कर सकते हो। एंड गाइस मेरा यकीन मानो, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो को करके 15,000 व्यूज़ गेन किए हैं, वो भी सिर्फ 14 सब्सक्राइबर्स में, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो गाइस इसी ट्रिक का यूज़ करके यार आप अपनी पुरानी वीडियोज़ को भी रैंक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पुरानी वीडियोज़ है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है एंड टैग्स आपके टाइटल से रिलेट कर रहे हैं, वीडियो से रिलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी वीडियो ग्रो करेगी करेगी। मेरी इस ट्रिक को आजमा के देखो, अगर रिजल्ट आता है तो कमेंट में जरूर बताना गाइस। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की थोड़ी थोड़ी टेक की वीडियोस डालता रहूँ व्लॉग के साथ साथ, तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट में बताना ताकि मैं ऐसे ही अपनी वीडियोस डालता रहूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।